कि तुम करो जबरदस्त मेहनत यम सीतन ये इलेक्शन हो गए। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की और जमात को जिंदा रखा, क्योंकि जमात के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन से ये पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे आदमी जो हैं जो अपने आप को बहुत समझते हैं उनको भी पता लगता है कि लोगों में उनकी साख्त कितनी है। ये बड़ी अच्छी बात है, मगर अफसोस की बात ये भी है कि हम में मादा बर्दाश्त जो है वो गायब हो गया है। अगर कोई शख्स नहीं आ सकता इलेक्शन में वो फिर बगावत का नारा मारने लगता है, ये नहीं समझता कि जमात में ये चीजें होती हैं और इनको बर्दाश्त कर, यू चॉइस बर्दाश्त कर, ये ना कि बह बनो कह चीज तो बहुत पुन डंग तुलान तो दिस घाटस पे वात ग अगर तम सुद ईमान नेशनल कॉन्फ्रेंस पे यह सो तजीम जो जन कि इतक लूकन तशखुस हे दिम दी इज्जत तेल ग तमिस ये जमात सर हालत मज रो नक्त तुम वुछान आजकल कित कोशिश कर वर्कर मल हूं तम अजीब अजीब तकलीफ पहुंचन जो जन कि तम हकन नेशनल कॉन्फ्रेंस त्रवित तो बन जमात मन ग। मगर मे याद अत वन बो तह वरी ब्रो मान ख्याल सो वट इज 74 इन कश्मीर सुसत्तर बहुत गोमुत पाकिस्तान किस कश्मीर किस हिस्स मे तथ तम सात अड़ इजलास तमो कम तूर सह आ मान ख्याल मुश्किल सान पंदा वरिश तप कम तकरीर वनुक तान मे सू याद दोपन नेशनल कॉन्फ्रेंस मुहिम यह जमात यह सान दिलन मज यह सान दिल मज कड़ यह तमिस कौर हूं बयान यम आसा वुचमुत या शेर कश्मीर आसा वुचमुत या कहान वुच इसलिए अगर कह तुम वो ना चलान जमात मज तुन कस नोर जरा तमिस आसान जमात दिलस मज जहन इसी लिए चो मगर तुम करो मेहनत ये मेहनत ठीक मगर वन ब्रो कौन मेहनत कर वन चुन ये इलेक्शन गाय हु बनो ये बनो ये तम पेहमो गरस मह सो चुन वन वन पक हर जाए वातु एहतियात कर पानस ते लूकन मज वात कम खातर सोन मकसद क्या तथ खातर तैयार कर जमात सान बेन वन बेन फर्ज घर मज वो माजन बेन तान यह वात कि सान लड़ाई क्या कत खातर वस व